नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों योजनाओं के हितलाभ की राशि भुगतान के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक भौतिक सत्यापन का कार्य जिला कलेक्टर के माध्यम से कमेटियां बनाकर निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया गया। तय समय में कार्य पूर्ण नहीं होने से इसकी तिथि आगे बढ़ाई गई है, जिसके तहत त्रिसदस्यीय कमेटी ने गलत सत्यापन करके निर्माण श्रमिकों को हितलाभ की राशि से वंचित किया जा रहा है। एटक के बीकानेर जिलाध्यक्ष एवं वरिष्ठ श्रमिक नेता प्रसन्न कुमार ने शहरी वार्डो व ग्रामीण क्षेत्रों में गठित कमेटियों ने गलत भौतिक सत्यापन करके वास्तविक निर्माण श्रमिकों पर कुठाराघात किया है, जिसके चलते वर्षों से अपने हक का हितलाभ राशि न मिलने से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष ने राजस्थान सरकार से अपील करते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि राज्य सरकार की निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु महत्वाकांक्षी योजना को सरकारी अमला गलत सत्यापन करके योजना को पीट रहा है, जिससे गरीब का गला रेता जा रहा है। सरकार को तुरंत प्रभाव से इस भौतिक सत्यापन को रोकना चाहिए और पुनः सत्यापन किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवा करके गरीब मजदूरों को उनका हक दिलवाना चाहिए। समय रहते सरकार ने इस कृत्य पर कार्यवाही नहीं की तो प्रताड़ित मजदूर वर्ग अपना विरोध जताने सड़कों पर भी आ सकता है, जिससे राज्य सरकार की किरकिरी हो सकती है।